मुंगेर में बीती देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी युवक को प्रेमिका के पड़ोसियों ने घर में बंद कर लाठी डंडे से पीट कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पड़ोसियों ने इस मामले में प्रेमिका को भी जमकर पीटा। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस कई घंटों बाद मौके पर पहुंची और प्रेमिका के घर से उसके प्रेमी के शव को बरामद करते हुए प्रेमिका को तत्काल हिरासत में ले लिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगापार दियारा बहादुर नगर कुतुलपुर निवासी 26 वर्षीय मोहन कुमार का अवैध संबंध गांव के ही विपिन यादव की पत्नी सीमा यादव से लंबे समय से चल रहा था, जबकि विपिन यादव खुद दूसरे जिले में रहकर दैनिक मजदूरी का काम करता है। सीमा के दो बच्चे भी हैं। सब मिलकर मार लगा है। कौन कौन? अमोद कुमार, विनोदी यादव, सुबोध, अधीन यादव। अच्छा, कहाँ की हत्या किया? आज एक बार ही दोनों अच्छा। तो पेशाब कराए दोनों घींच कर हमें सुतर कुछ नहीं किसी टेक सौंप के बारे में धक्का मार के दोनों घर सटले तब घर में ढकेल हम उठलिए कल सौंप हम के बार घर पर खोलिए तब घर जाकर ढकेल तब जाकर बन के मारा लगे हमें हल्ला कराए लगलिए। लंबे समय बाद मोहन अपनी प्रेमिका से मिलने मध्य रात्रि उसके घर पहुंचा। गांव में रामधुन चल रहा था और इसकी भनक महिला के पड़ोसी को लग गई। जब मोहन और सीमा कमरे में बंद हो गए तो दो दर्जन से अधिक लोग उसके घर पहुंच गए, जिसके बाद कमरा खुलवाया और महिला व प्रेमी की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। बाद में महिला को वहां से हटा दिया और मोहन का हाथ पैर बांधकर लाठी डंडे से तब तक पिटाई की जब तक उसकी जान नहीं चली गई। हालांकि प्रेमी को जब बंधक बनाकर पिटाई किया जा रहा था तभी महिला ने गांव वालों के साथ मोहन के परिजनों को इसकी जानकारी दी। सभी दौड़कर महिला के घर गई। अगर अलग नहीं तो हमरो मार लग के जन्म मुद्दे में ना कौन वाला सब कुछ जो है सब ले लेते हैं। अच्छा, तो लगल के पांच छह अपने बुले ले ले कि ना ऐसा बारे में सब कह के हम पाखर पहले आवे ले अपने पास वो पहले आवे आव लेकिन इधर से अब ने आवे ले ना तो अपने के भी मार के समय से ओकरा घर में आपको भी हमको रह छे मिलने में हमर सास मर गेलन जे आज तक से दा मक्त दा से नहीं कर अपने भी मारपीट कर लियो कर अपने साथ भी मारपीट कर ले है। हाँ अपने सब आपको भी पीटा है? हाँ हमरो मार। कौन कौन? वह सब मिल दोनों के बंद किया। हाँ हाँ तो वहाँ तो बंद करो हमरो पीछे हाँ तो बंद करो धोती लगा फैट से मारे मोबाइल छीन लो करो तो कर कौन चीज से पीट ले ले डंडा से फैट। लेकिन तब तक मोहन की मौत हो चुकी थी। इसकी सूचना मुफस्सिल थाना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस अगले सुबह घटनास्थल पर पहुंची और मोहन के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जबकि महिला को हिरासत में लेकर मुफस्सिल थाना पुलिस चली गई। यहां आपको बता दें मृतक 6 भाइयों में सबसे छोटा था और उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। मृतक मोहन के परिजनों ने बताया कि सीमा देवी ने ही फोन कर मोहन को रात घर में बुलाया था। जब मोहन उसके घर गया तो 10-12 लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। एक सोची समझी साजिश के तहत मोहन की हत्या की गई है। अवैध संबंध के बारे में पूछने पर परिजनों ने बताया यह तो मृतक मोहन अथवा महिला ही बता सकती है। परिजनों ने बताया कि सुबह में उन लोगों ने यह भी कहा कि मोहन हमारे घर घुस गया था, इसलिए उसे पकड़कर बांध दिया। जब देखने गया तो वो मृत पड़ा हुआ था, उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। ये उसके साथ जो लेडीज था ना, वही फोन करके इसको बुलाया, उसके साथ संबंध था। किसका? मोहन कुमार का, जो अभी मृतक है। हाँ। तो वही बुलाया, उसके बाद आपस में वो लोग कैसे क्या किया, उसको पकड़ कर भर रात रखा, मारपीट किया, मारते मारते मारिए दिया। उसके बाद हम लोग को सूचना मिला सुबह में, तो हम लोग गए देखने के लिए। तो लोग बोला कि हमारा घर में आया है तो इसको बांध के रखे हुए। तो हम लोग बोले चलो ठीक है, सामाजिक तौर पर ऐसा गलती किया है तो उसका देखा जाएगा, लेकिन हम लोग वहाँ गए तो मरा पड़ा हुआ। वो लेडीज था, उनके विपिन यादव का पत्नी था, उनसे संबंध। अच्छा, वही फोन करके बुलाया है। बुलाने के बाद जो है घर में लोग भी जैसे सम जाना, उनका गोतिया पड़ोसिया जो है बगल का भाई, तो वही सब घर केवाड़ी लगा कर अंदर में जो है उसको बहुत पिटाई किया। पिटाई करते करते जो है उसको खत्म कर दिया। सीमा देवी काहे के लिए बुलाई तुमको पता नहीं है, लेकिन उसको जान से मार दिया 10-11 आदमी ने। अच्छा, अब हमको पता चला उसमें कुछ कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी तो नहीं था उससे। तब हमको पता चला कि मार दिया, तो हम सुबह हम गए, उसके बाद से यहाँ
फोन किए थाना पे, तब थाना प्रभारी गए वहाँ, उसके बाद हम फौड़ी पर गए, फौड़ी पर गए तो फौड़ी पर हवल अथी ले गए, फिर फौड़ी पर से प्रशासन को। वहीं पुलिस हिरासत में सीमा ने मीडिया वालों से बातचीत में बताया कि मोहन और उसके बीच पूर्व में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पहले वह उसके घर आता जाता भी था। जब से उसकी सास की मौत हुई है तब से मोहन नहीं आया था। उसने बताया कि दोनों का घर अगल बगल में है और बाड़ी भी एक जगह है। घटना की रात मोहन पेशाब करने के लिए अपने बाड़ी में आया था, तभी उसे पकड़ लिया और मेरा दरवाजा खुलवाया। उसके बाद हम दोनों को प्रमोद कुमार, विनोदी यादव, अधीन यादव, सुबोध यादव सहित अन्य ने लाठी डंडे से पिटाई की। मेरा नाक और कान की बाली भी ले गए, मोबाइल भी ले गया। वहीं मामले पर मुंगेर एसपी जेजे रेड्डी ने बताया कि कुतुलपुर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें 26 वर्षीय मोहन कुमार की हत्या पीट पीट कर कर दी गई है, जिसके सब को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। साथ ही डीएसपी और मुफस्सिल थानाध्यक्ष को निर्देश दे दिया गया है जल्द वे मामले का उद्भेदन करें। साथ ही बताया कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में ही हत्या का मामला दिखता है, फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है। थानाध्यक्ष गए तो मतलब कुतुलपुर में मनीष यादव एक पुरुष है, उनका हत्या हुआ है, तो हमें डीएसपी साहब को निर्देश दिए कि उनका जल्दी से जल्दी सुपरविजन भी किया जाए उस केस का, और जो भी इस केस में जो दोषी है उसके ऊपर सख्ती कार्रवाई करने के लिए पता चल पाया। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से लग रहा है, बट फिर भी हम लोग जांच पूरा अपने एंगल से जाँच करेंगे और थानाध्यक्ष और डीएसपी खुद इसको जाँच अनुसंधान करेंगे।